नमस्कार, आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज नेटवर्क। मैं निशा प्रभा स्वागत करती हूं आज के प्रमुख का आगाज करेंगे खबर परदेश से। भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आधिकारिक तौर पर पदभार संभाल लिया। किंग चार्ल्स मिल ने आधिकारिक तौर पर देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऋषि सुनक निर्वाचित होने के बाद बकिंघम पैलेस पहुंचे और किंग चार्ल्स से मुलाकात की। किंग चार्ल्स ऋषि सुनक की मुलाकात के बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में ऋषि सुनक ने देश को आर्थिक संकट से जल्द बाहर निकालने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को एकजुट करूंगा और केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से ये साबित कर दूंगा और दिन रात एक कर दूंगा। और अब खबर देश से। देश में आज 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया जा रहा है। पैदल सेना दिवस के मौके पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि भारतीय सशस्त्र बल में पैदल सेना यानी इन्फेंट्री एक खास हिस्सा है जो जमीनी जंग के सबसे आगे रहकर लड़ती है। हर साल 27 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। और इसी बीच इन्फेंट्री दिवस पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर का दौरा कर भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह सेना की ओर से आयोजित इन्फेंट्री डे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इधर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता इस वक्त गाजीपुर लैंडफिल्स पर आमने सामने हैं और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल्स का दौरा करने वाले थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से क्रेडिट लेने की कोशिश बताते हुए इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि एमसीडी चुनाव बिल्कुल सर पर है। अमेरिका में सिख पुलिस अधिकारी के कत्ल के मामले में दोषी को मौत की सजा सुना दी गई है। अधिकारी संदीप धारीवाल को गोलियों से चलनी कर दिया गया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। अमेरिकी कोर्ट ने दोषी रॉबर्ट सोलिस को मौत की सजा सुनाई। बता दें कि साल 2019 में कत्ल की ये वारदात को अंजाम दिया गया था।